हाय फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्म की चुड़ी मैं हूं रुनाशिश और चलिए अब हम बात करने वाले हैं अरुणिता गांजीलाल की फ्रेंड्स एस एस थ्री से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि एस एस थ्री में अरुणिता है या नहीं है है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती है नहीं है तो फिर क्लियर क्यों नहीं किया जाता है और इतने सारे कन्फ्यूजन में मैं आपको हमेशा से कहती हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए uh, किसी सेलिब्रिटी को टैग नहीं करना इज अ रॉन्ग थिंग बट फिर भी हो सकता है उनका अपना कोई एक स्टाइल हो थोड़ा सा आपकी टांग खिंचाई करने वाला स्टाइल हो कुछ गड़बड़ करने का स्टाइल है यार इतना तो बनता है यार इतने अच्छे शो आपको देते हैं पवन अरुणिता दानिश साई जैसे कलाकार आपको देते हैं तो इतनी अगर आपकी थोड़ी सी बाह मरोड़ ली और टांग खिंचाई कर ली किसी चैनल ने तो अलाओ कर देना चाहिए मैं आपको हमेशा से ये कहती आई हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अरुणेता ऐसे स्त्री में नहीं है लेकिन फिर भी आप जैसे प्यारे प्यारे फैंस आप जैसे जिन्होंने खूब सारा प्यार करने वाले फैंस को एक कन्फ्यूजन आना लाजमी है और आप गलत नहीं है तो चलिए आपका कन्फ्यूजन कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया है अरुणता कांजीराल जो है बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद आपको आ, सोनी टीवी के चैनल पर इंस्टा पर लाइव दिखाई देने वाली है और जो आ, ये थोड़ी देर पहले ही इनफैक्ट इसके बारे में आ, आ, पोस्ट किया है टुडे 5 पीएम लाइव एट सोनी टीवी ऑफिशियल इंस्टा पर आने वाली है जिसमें सोनी टीवी ऑफिशियल और अरुणता कांजीलाल दोनों का नाम लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि वो टैग क्यों नहीं किया है तो मैं जब पूछूंगी उनसे तो उसका जवाब आपको बता दूंगी कि, कि टैग क्यों नहीं किया जाता है अनुनता कांजीलाल को क्यों ऐसे आ, आ, एक, एक, आम ट्विस्टिंग किया जाता है गलत बात है यार <laughs> तो उसके बाद सोनी टीवी ऑफिशियल खुद लिखते हैं आर ओन अरुणता कांजीलाल विल बी इंटरेक्टिंग लाइव विद यू

चल रहे हैं और अभी इनफैक्ट नई बात ये समझ में आई और देखने में आई है कि सुपरस्टार सिंगर का जो मुंबई ऑडिशन है उसकी भी डेट डिक्लेयर कर दी गई है और ये चार फरवरी को होने वाला है नाहर इंटरनेशनल स्कूल में आपको याद दिला दूँ इंडियन आइडल के थर्टीन के और फोर्टीन के भी जो ऑडिशंस रखे गए थे वो नाहर इंटरनेशनल स्कूल में ही रखे गए थे और इसके अलावा ये सुपरस्टार सिंगर का ऑडिशन अब यहाँ रखा जा रहा है इस मामले में इनफैक्ट साइली ऑल्सो सेट समथिंग उन्होंने कहा है कि मुंबई जो है सिटी ऑफ ड्रीम्स है और उसने मतलब मुंबई ने शांति के साथ बहुत प्यार के साथ उनकी पूरी जर्नी को देखा है साइली कांबे को और अब जो ऑडिशंस हैं वो मुंबई में होने वाले हैं और वो बहुत थ्रिल हैं कि उनको देखने का मौका मिलेगा कि कैसे एक इनक्रेडिबल टैलेंट दिखाई देने वाले हैं और मुंबई और क्या क्या टैलेंटेड लोगों को उनके सामने लेकर आ जाने वाला है और uh, साथ ही ये भी कहती है कि आई कांट वेट टू डिस्कवर द नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर राइट हीयर इन द हार्ट ऑफ आर बिलव्ड मैक्सिमम सिटी सो आप कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा साइली uh, पवन दानिश सलमान अली तो क्लियर थे ही ये लोग लाइव भी आ रहे थे समय समय पर पवन का भी लाइव हुआ था लेकिन अब जो कंफ्यूजन अरुणता कांजीलाल को लेकर था वो क्लियर हो चुका है तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए आपके जितने भी दिल के अरमान थे गुस्सा था मैं सब समझ रही हूँ मैं सब समझ रही थी मिलूंगी तो उनसे पूछूंगी कि ऐसा क्यों करते हो यार गलत बात है यार फैंस का दिल दुखाना बहुत गलत बात है चलिए अब इस बात पे खुश हो जाइए कि पाँच बजे जब अरुणता आएगी तो आपसे क्या क्या बात करने वाली अच्छा मुझे भी लिखकर बताइएगा कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं अरुणता से जय हिंद